हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉलेज अपडेट में। तो फाइनली SOL की तरफ से जवाब आ चुका है। जवाब है कि आपके जो भी प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, यूआर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव, वो जो प्रॉब्लम है अब SOL की तरफ से जो है रिजॉल्व कर दी गई है। वैसे तो ये जो मैंने मैसेज है मैंने मॉर्निंग में ही शेयर करवा दिया था ग्रुप पर, और जो भी टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करते हैं या कम्युनिटी देखते हैं यूट्यूब की, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया था कि अब जो पेमेंट पोर्टल है उसको ठीक कर दिया गया है, मतलब अब आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, पेमेंट करने जा रहे थे तो यू आर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव शो कर रहा था, बट अब जो है ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया है। प्लस SOL के जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि ये जो प्रॉब्लम है ये तरीके का प्रोसेस है जिसमें आपकी जो पेमेंट है उसको कंफर्म करने के लिए प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको 1 घंटे का वेट करना होता है, मतलब पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। जिसने 2 बार पेमेंट कर दी है उसको ये बोला जाता है कि तब भी अगर आपकी फी रिसीव नहीं आती है तो आप नॉर्थ कैंपस अपने साउथ कैंपस विजिट करें। ठीक है, अब ये पेमेंट की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो चुकी है। अब जितने भी ऐसे बच्चे जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि सर मैं लास्ट डेट को पेमेंट करूंगा, लास्ट डेट क्या है सर, एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, उसको लेकर आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी बच्चों के डाउट है, तो देखिए जाहिर सी बात है बता देते हैं। SMS SOL की तरफ से भेजा गया लास्ट डेट का, उसमें साफ साफ बोल रखा था कि 3rd सेमेस्टर की जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो कल है, मतलब 5 नवंबर है, 5 नवंबर को ख़त्म हो रही है। वहीं 5th सेमेस्टर की जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो 8 नवंबर को ख़त्म हो रही है। तो ये दोनों लास्ट डेट है जो कि ऑफिशियल जो SMS SOL ने भेजे थे बच्चों के, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। वो अलग बात है काफ़ी बच्चों को नहीं मिला होगा और 2 से 3 दिन तो हमारे बिल्कुल बर्बाद हो गए जिसमें फेस्टिवल्स भी थे और पोर्टल भी वर्क नहीं करा। तो SOL ने ये बोला है कि लास्ट डेट का वेट मत करो, आप पेमेंट कर दो। कल रात 12 बजे तक पेमेंट गेट पे ओपन रहेगा, हो सकता है उसके बाद भी आपको मौके दिया जाए क्योंकि SOL इस पर विचार कर रहा है। बट बात वही आती है, आप लास्ट डेट का वेट मत करो, एक्सटेंड होगी तो हम बता देंगे। देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था 15 नवंबर तक जो डेट एक्सटेंड हुई है वो न्यू एडमिशन की हुई है। इसके साथ MBA की एडमिशन की लास्ट डेट भी 15 नवंबर 11 नवंबर इसकी कर दी गई है, तो इनके भी चांसेस है कि इन दोनों की भी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाए। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको तो एडमिशन लेना है, पेमेंट आपको करना है, और ये प्रॉब्लम अब बनी रहेगी क्योंकि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट है जिनने ये प्रॉब्लम आ रही। तो SOL ने ये बोला है आप पेमेंट कर दो, पेमेंट करने के बाद फी रिसीव जनरेट होने में 1 से 2 घंटे का समय अगर लगता है, उसके बावजूद ही फी रिसीव नहीं आती तो SOL कैंपस विजिट करो, वहाँ से आपको फी रिसीव जनरेट करके वो दे देंगे। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात मैंने आपको जो क्लियर थी वो मैंने क्लियर कर दी है। तो लास्ट डेट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन थी 3rd सेमेस्टर की जो अभी तक जो लास्ट डेट है, क्योंकि उसके बाद कोई भी SMS कोई भी नोटिस SOL की वेबसाइट पर नहीं आया है। तो SMS के अकॉर्डिंग मैं अभी आपको बता रहा हूँ 3rd सेमेस्टर की लास्ट डेट 5 नवंबर जो कि कल रात 12 बजे तक रहेंगे, और वहीं 5th सेमेस्टर की जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो 8 नवंबर तक है। हो सकता है कि 3rd सेमेस्टर की भी लास्ट डेट को अगले 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए। बट बात वहीं आती है कि अभी जब तक SMS नहीं आएगा, जब तक नोटिस नहीं आएगा, तब तक अभी जो लास्ट डेट है जो मैंने बताई है उसी को लेकर चलो, अभी भी आपके पास समय है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पेमेंट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, पेमेंट आप कर दीजिए UPI ID से करें, क्योंकि अब SOL ने खुद बोला है कि UPI ID से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पेमेंट कर दीजिए। लास्ट पेमेंट की जो प्रॉब्लम जो पोर्टल ब्लॉक हो रहे थे बच्चों के वो रिजॉल्व कर दिए गए हैं, काफ़ी बच्चों के सॉल्व हो गए, पेमेंट करके छोड़ दीजिए। 1 घंटे का ट्राई कीजिए, नहीं आती फिर रिसीव्ड 1 दिन का वेट कीजिए, तब भी नहीं आती तो दोबारा पेमेंट मत करें। ऐसी कंडीशन में SOL विजिट करके अपना फी रिसीव्ड जनरेट करवा लीजिए। SOL तभी विजिट करना, पहले आप अपने डैशबोर्ड पर चेक कर लो क्या फी रिसीव्ड आ गई नहीं आई, पता लगा वहाँ जाओगे और आपका फ्री सीट आ गया हो। ठीक है, तो जब तक क्रॉस वेरीफाई ना कर लो तब तक SOL विजिट मत करना, आपको भी आने जाने में फालतू का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें थी जो मैंने क्लियर कर दी। अब पेमेंट जो पोर्टल पर वर्क कर रहा है, काफ़ी बच्चों ने पेमेंट कर भी दिया है, जो बच्चे अभी भी रुके हुए लास्ट डेट को लेकर, तो मैंने बता दी लास्ट डेट क्या है, ER एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट भी सेम इन्हीं को अभी फॉलो अप कर सकते हो 3rd और 5th सेमेस्टर को लेकर। ठीक है, क्योंकि उनका अलग से 2020-21 का कोई भी मैसेज ऐसा नहीं आया, अगर मैसेज आ गया है उसको आप फॉलो करो। अगर कल अगर मैसेज आ रहा था एक्सटेंशन का तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल जो लास्ट डेट अभी बनी हुई है वो यही है, आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 3rd सेमेस्टर की 5 नवंबर बनी हुई है, और मैं 5th सेमेस्टर की जो लास्ट डेट है वो आपकी 8 नवंबर तक है। SOL के जो ऑफिशियल SMS है उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट का वेट मत करो, पेमेंट पोर्टल वर्क कर रहा है, सोल्यूशन
एसओएल ने क्लियर कर दिया है, कहा है कि एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा पेमेंट आपको नहीं करना है, तो पेमेंट कर दीजिए। और एक चीज़ और, 2020 और 21 बैच का पोर्टल अलग है, वो क्या कर रहे हैं अपने डैशबोर्ड को चेक कर रहे हैं, उसमें लिंक आपको शो नहीं करेगा, उसके लिए अलग से एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक निकाल रखा है। दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए है, 2020 और 2021 बैच का लिंक अलग है एग्जाम फॉर्म का, और 2022 और 2023 बैच के जो स्टूडेंट है उनका जो लिंक है उनके डैशबोर्ड पर शो हो रहा होगा। बारकोड जिनके पास नहीं है, वेबसाइट पर जाओ, नो यू आर बारकोड करके मैं एक पोर्टल है, उससे अपना बारकोड निकाल लो, सिंपल सी बात है, उससे अपना पोर्टल आप लॉगिन कर सकते हो। रही बात बारकोड का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये सी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा,